नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजेल्स ग्रूमिंग किड्स। आज हम अपने बच्चों को हिंदी नववर्ष के बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोगों को हिंदी नववर्ष की शुभकामना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नववर्ष 22 मार्च चैत्र से शुरू होने जा रहा है, तो आप सब लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बच्चों, जैसे हम इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं ना, उसी तरीके से हम हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं। चलो हम देखते हैं कि हिंदी महीनों के नाम हम कैसे बोल सकते हैं। तो चलो देखो, बोलो चैत्र, बसंत, और ये कितने दिन का होता है? 30 या 31 दिन का होता है, ठीक है। वैशाख, ग्रीष्म, 31 दिन का होता है। ज्येष्ठ, और ये भी ग्रीष्म होता है क्योंकि आधा आधा दिन होता है, ठीक है, 31 दिन का। आषाढ़, वर्षा, ये भी 31 दिन का होता है। श्रावण, वर्षा, ये भी 31 दिन का होता है। भाद्र, शरद, ये भी 31 दिन का होता है ना। तो हमने देखा कि ये जो महीने हैं, चैत, बैसाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण, भादो, ये सारे 31 दिन के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अश्वनी, शरद, ये 30 दिन का होता है। कार्तिक, हेमंत, ये 30 दिन का होता है। अग्रहण, हेमंत, ये 30 दिन का होता है। पौष, शिशिर, ये 30 दिन का होता है ना। माघ, शिशिर, ये 30 दिन का। फाल्गुन, वसंत, ये 30 दिन का, ठीक है। हमारे 12 महीने होते हैं और 6 मौसम होते हैं। अब 12 महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्वनी, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। और कौन कौन से हमारे ऋतुएं होती हैं? देखो, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो सबसे अंतिम जो महीना होता है वो हमारा बसंत का होता है, जो ये फागुन का महीना है, ठीक है। और 22 मार्च से हमारा नया साल शुरू हो रहा है हिंदी का, है ना। तो सभी बच्चों को नए साल की शुभकामना, और सब बच्चे होली खेलेंगे, उसके बाद हमारा नया साल शुरू होगा। आप सभी लोगों को का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूम किड्स। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे लिटिल एंजल्स परिवार, कल्चर बॉक्स परिवार की तरफ से नए साल 22 मार्च, जो कि 6
चैत्र महीने से शुरू हो रहा है, हार्दिक शुभकामना। हमारे इस राष्ट्रीय सौर दिन दर्शिका को भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी है, प्रसिद्ध। और ये जो कैलेंडर है हमारा, ऐसा वैसे कैलेंडर नहीं है, इसे हमारे देश के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री डॉक्टर मेघानंद शाह को इसका 1952 में इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह सौर्य दिन दर्शिका सूर्य के भ्रमण पर आधारित राष्ट्रीय दिन दर्शिका है, इसलिए यह कालगणना, इसकी कालगणना सूर्य आधारित होती है। 22 मार्च को जब सूर्य विषुवतीय वृत्त पर आता है और इस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। इन माहों का नाम नक्षत्रों के नाम पर दिए गए हैं। सौर्य दिन दर्शिका यह आज के नहीं, हमारी प्राचीन काल की वैभवशाली परंपरा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अंग्रेजी कैलेंडर छोड़ें और अपने राष्ट्रीय कैलेंडर को खुद सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, उन्हें हिंदी मास की भी जानकारी दें और भारत के इस गौरवशाली इतिहास को बचाएं। और ये जो राष्ट्रीय दिन दर्शिका कैलेंडर है उसके बारे में प्रचार करने के लिए मेरे को लगा कि इसका हमें प्रचार इसलिए करना चाहिए। एक दिन मैं अपने स्कूल में, हमने जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा फागुन मास, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, तो एक बच्चे ने पूछा, जैसे हम लिखते हैं कि भी डेट सोमवार मंडे, महीना जनवरी फरवरी मार्च, जो इंग्लिश में लिखते हैं, मैंने हिंदी में लिखना चालू करा। तो एक बच्चे ने पूछा, सर ये फागुन क्या लिखा हुआ? तो मेरे को लगा कि हमारे जो बच्चे को, क्योंकि इंग्लिश के नाम तो आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ रहे हैं, मंडे संडे आ रहेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आते, मगर अपने ना हिंदी के सप्ताह के नाम पता है और इंग्लिश के तो खासकर है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि ये जो राष्ट्रीय दिग्दर्शिका जो कैलेंडर है इसको मंगवाया जाए, इसमें हिंदू तिथियाँ हैं और नक्षत्रों के अनुसार बहुत ही अच्छा कैलेंडर है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दिया, फ़ोन नंबर दिया, आप उसे मंगवाएं और आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और अगर हमारे ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कुछ ज्ञानवर्धक भी लग रहा है, और कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से, मेरे से आपसे निवेदन है कि ये कैलेंडर आप मंगवाएं और ज़रूर मंगवाएं।